Rodak Video. राहुल बेटे। हाँ पिताजी। यहाँ सुन, मेरे पास बैठ। बेटे राहुल, तुझे एक बात बताऊँ, दूसरे का जीवन सुधार लेना, अपना जीवन न बिगाड़े। पिताजी मैं दूसरों के लिए अपना जीवन नौछार कर सकूं? बेटे मैं बहुत दिनों तक देख रहा जो हमारे घर में विवाद चल रहा। पिताजी ये लड़ाई झूठ और सच की है, जिस दिन थारे सामने सच्चाई आओगी ना, ये लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। बेटे मेरा तो यही कहना है, किसी की भलाई करना बुरी बात नहीं है, पर किसी की भलाई के चक्कर में अपना घर बिगाड़ना बहुत बुरी बात है। पिताजी ऐसा कुछ ना होने का, तुम देखियो एक दिन सच्चाई की जीत होगी। अरे हल्कू फल्कू, तारा काम धंधा तो बढ़िया चल रहा है। लो तुम एक काम करो, अपनी दक्षिणा लो। कृष्ण कन्हैया, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। बस अब तो एक ही तमन्ना है, जग्गार वीरू उन दोनों पापियों को सालों को जेल भिजवा दूं। थारे मारे पे बहुत एहसान है, कुछ काम हमारे लायक हो तो हमें बताओ। हाँ थारे लायक एक काम है, जग्गार वीरू औरत के बहुत भूखे, तुम दोनों औरत बनके उन्हें अपने सिकंजे में फंसाओ और मैं पुलिस लेके आऊंगा, उन्हें सालों को पुलिस के हवाले करेंगे। ठीक है राहुल, खाना बनाया अपने बहुत ज्यादा में फंसा के जंगल में चले गए। और हाँ, तुम दोनों को थाने से 1,000 रुपए इनाम के भी दूंगा। बल्ले बल्ले, कल ही हम इस काम को करेंगे। कल मेरी भी यू कसम पूरी हो जाएगी। ठीक है, हम भी चल के कल की तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखता हूँ कैसे बचते हैं जग्गा और वीरू। हाँ भाई फल्कू, आज जग्गार वीरू को पकड़वा के मानेंगे। ठीक है भाई फल्कू। ठीक है। अरे कहाँ दिक्कत आ रही, इतना तेरा दोस्त है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, ऐसा क्या हमारे काम में दिक्कत नहीं? वीरू ये कौन बैठी? चल ब्रो यही चल के देखेंगे। जग्गार वीरू आ रहे, वे हमें पहचान तो ना ले होंगे? बिल्कुल नहीं पहचानेंगे फल्कू। ठीक है, मैं तो मुंह ढक के बैठू और मैं देखती हूँ, देख ले। तुम कौन हो और कहाँ से आई और कैसे परेशान सी हो रही? अजी हम राजस्थान से आई हैं, वहाँ भुखमरी फैल गई, अब हम अपनी जिंदगी यहीं काटेंगी। राजस्थान से आई, फिर क्यों चिंता कर रही? हम थारी गैल है ना, क्यों वीरू? ठीक है भैया, हम थारी गैल है, फिकर क्यों कर रही है? जानेवन, थार से मिलकर तो हमें ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गई हो, क्यों वीरू? हाँ भैया, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आए मेरी जाने मन दिल रुबा, रस भरी जलेबी तुझे दूध के राम में फेर के घूंटो घूंट पी जाऊं। अरे के कह दिया वीरू, या 1 घंटे में जुगाड़ू करते काम को।
आज तो आगे जन्नत नजर आ गई। अच्छा तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छे और बुरे का तो थोड़ी देर में पता चलेगा। अजी तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे वो तो ठीक है, राजस्थान में जनू बता दे यही रहेगी क्या तू? हाँ यही रहूंगी। जाने जिगर कहाँ चल दिए? अच्छा हल्कू और फल्कू साजिश रच रहे, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे। राहुल तुझे यार दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ती का मुझे सौंप देना है, जाओ से लेके। गुलाबों का नाम जमीन कराने के लिए वो हमने जमीन गुलाबों के नाम करा दी और ये गुलाबों को कागज दे देना। कोई साहब तुमने बहुत बढ़िया काम करो, उसके कागज बनवा दिए। गुलाबो एक खेत में काम कर रही है वो उसके कागज दे। तुम एक काम करो, घर चलो चाय पी लियो। हमें नाप तोड़ कर दी है आदमी के। भगवान आज तो कतई मार का छोड़ देगा। कितनी गर्मी लग रही है। लो माँ जी खेत में रोटी दियाओ। ए बेटी आज तो मैं आते आते थक गई, तू रोटी आज खुद ही दे। माँ जी तमी दे के आओ या किसी पे भिजवाओ, मैं ना दे के आऊं। ए बेटी ये घर गृहस्थी की नोक झोंक तो चलती रहे। माँ जी मैं बिल्कुल ना जाऊँ, मेरे वहाँ जाते ही फिर लड़ाई हो जाएगी, मैं बिल्कुल ना जाऊँ। हे बेटी आज तो मेरे बस की कुछ भी नहीं है, एक काम कर रोटी लेकर आ तू ही चली जा, राहुल भूखा तड़प रहा होगा। माँ जी तुम कह रही हो तो मैं चली जाऊंगी, पर अगर आज कोई बात हो गई ना तो मैं तुम्हें मुँह ना दिखाऊँ। हाँ ठीक है आज तो चली जा, आज शाम को आन दे उसे कैडा करके समझाऊंगी। ठीक है माँ जी आप कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ, पर अगर आज कोई बात हो गई ना तो मैं आपको अपना मुँह ना दिखाऊँ। जा रही हूँ। इस लंडे का भी पता नहीं क्या होगा। भाभी ले पटवारी कागज देगा तेरे हैं। पटवारी काहे के कागज दे गया? वो जमीन नहीं तेरी, वो तेरे नाम चढ़ गई है। कैसे कैसे बात है? आ जाओ मैं छा में बैठ लू वहां बताऊंगा।
पर मुझे समझा कैसे कैसे बात है। समझाना के है, जमीन तेरे नाम चढ़ गई, इन्हें कागजों को सुनवा के रखे बस। ले खा ले रोटी। अरे सुन तो सही। अरे रजनी, रजनी, अरे मेरी जान कैसे नाराज हो रही है। अरे रोटी गैर खा गई है मेरी। मुझे क्यों रोके है तो रोटी खाने वाली, और मुझे जान दे, आज फैसला घर ही होगा, आ जाइए शाम को घर। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, ये दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ बनेंगे बिगड़े काम तुझको अल्लाह रखे, ये दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे, ये दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ओ बनेंगे बिगड़े काम तुझको अल्लाह रखे। अरे भाई सब चले गए, इस भूख के पेट में दो रोटी खानी, तू ही कुछ दे दे, भगवान तेरा भला करे। फलकू दस रुपए तो आगे भाई। वो के रुपए का है? अरे 33 फेरे का है, 75 रुपए का, तुझे 10 ही दिखाई दे रहे, 10 तो ये रहे। हाँ। और कुछ खरीद भी है 30-40 रुपए और की है, इनका जुगाड़ हो जा और भूख के पेट को मिल जाए रोटी। ठीक है ना भाई, चल कुछ और देखेंगे जुगाड़ कर लेना भी। ठीक है यहाँ से हो सके रोटी का जुगाड़। बाबू भूख के पेट को रोटी मिलेगी क्या? भगवान तेरा भला करे बाबू। अरे तुम भीतर चलो पेट भर के खाइयो। राहुल तुझे कुछ और भी पता चला? अरे अरे हल्कू फल्कू यार, तुम दोनों तो बेपिछाण हो रहे हो। अरे मांगने खाने की तुम्हारी कार है, पर हम तो तुझे एक पते की बात बताना आए। हाँ बताओ कौन सी बात है? वीरू और जग्गा जमानत पे छूट गए, जो खतरे। और मारी भी जान को खतरा है। अरे तुम घबराओ मत, सब देखी जाएगी, चलो। अरे भाई दो रोटी का इंतजाम तो कर दे। अरे मेरा पवे का। अरे थारे सब जुगाड़ करूंगा, पहले इस भेष को तो बदल लो। चलो भाई इसका तो बहुत चोट लग रही। राहुल भाई इसका तो एक मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया, इसका सिर में बहुत चोट लग रही। राहुल भाई इसका तो बहुत खून निकल रहा, डॉक्टर के ले चल जल्दी। राखी राखी बहन कौन है? मैं कौन मार गया टक्कर, स्कूल में जा रही थी। भाई भाई राहुल हम दोनों तो इधर से आ रहे थे और वो तो बहुत तेज हुआ था, बहुत तेज चला के गया। राहुल भाई इसके तो बहुत खून निकल रहा, तू चल डॉक्टर ले चल। सोगा तू एक काम कर, हल्कू तू राखी की साइकिल घर खड़ी कर दे। अच्छा ऐसा मैं लेके जा रहा हूँ, बैठवा दू तू भाई। राखी बैठ। अब आ जाओ। डॉक्टर इसका एक्सीडेंट होगा, इसके सिर और पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, अभी तो यही चेक कर लो सर। बहुत ज्यादा चोट आई है। हाँ जी बहुत ज्यादा है, डॉक्टर को देखो। पहले
डॉक्टर साहब ये तो मेरा फर्जा, इस बेचारे का बाप अपाहिज है ना इसके कोई भाई है, ये तो बेचारी स्कूल में पढ़ा के अपने खर्चा चला रही है। राहुल तुम तो बहुत परोपकारी हो भाई। डॉक्टर साहब अब तो इसका मैं ही बाप और मैं ही भाई हूँ, आप इसका अच्छे तरीके से इलाज करो। स्कूल जाती है एक बाइक से एक्सीडेंट होगा। हैं? वो तो साइकिल से है। ए बेटी, राहुल तो बहुत बैठा लौंडा, इसका तो सारे गांव में रुका। ये लालजी तो दूसरों का भलाई करता थी रे। ताऊ जी तो इंसान का फर्ज है, कोई मान लो या ना मान लो। इसका फल भगवान ही जरूर देगा। ताऊ जी डॉक्टर यू कह रहा है जब उसकी चोट सही न हो जाए ना इसे आराम करवाइए। राहुल डॉक्टर का कितना खर्चा आया, राखी भेजूंगी। ताऊ जी तुम कैसी बात कर रहे हो, राखी मेरी बहन है, इतने राहुल जिंदा है ना इससे कोई दिक्कत नहीं है। राखी चल तू अंदर चल आराम कर ले, तुम बैठो। आंखें छोड़ ड्रामेबाज, जान क्यों नाराज हो रही है? ये ड्रामे किसी और को दिखाइए, मैं तेरे ड्रामे में आने वाली ना हूँ। अरे ड्रामो में ना आए तो एक काम कर, रोटी आके भूख लग रही है। ले रोटी खा ले। अरे आजा मेरी जान, तो मैं एक साथ खाऊंगे। उनकी गैल खाइए जिनको रोज लिए फिर है। रजनी तेरी है गलत फहमी ना निकले। अरे मैं किसे लिए फिर रहा हूँ? तो फिर ये साइकिल किसकी है जो बाहर खड़ी? अच्छा यू तो राखी की है,
और उसे कोई मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया बेचारी की। उसे कोई दिखाने वाला ना है, पूरे गांव का ठेका तू नहीं लिखा। अरे उस बेचारी का बाप पाई जे और ना उसके कोई भाई है। बस अब मैंने बहुत सुन ली, अब तो मेरा जीना बेकार ही है। अब तो मैंने सोच ही ली कहीं नदी नाले में डूब के अपनी जान दे दूंगी। रजनी अब भी मेरी बात मान ले, मैं गलत ना हूँ और नहीं तो तू एक दिन पछतावेगी। रजनी मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा। हाँ हाँ पता है मुझे तू कितना मेरा है। ले फूगनी ले, तसला ले, चायदान ले, चौधरी चिमटा ले, फूगनी ले, तसला ले, चायदान ले। ए बागड़ो के बेख रही हो चौधरी? चिमटा ले, फूगनी ले, तसला ले, चायदान ले, कुछ तो ले ले। भरो के नाम से तेरा भूलो के है सब नाम मेरा, भारी कार बागड़ो की बोरी मारी भैंस काटनी दार बाखड़ी की। पूरा नु तो बता सामान के बदले में के लेगी। अरे चौधरी पैसे दे दे, भूसा दे दे। अरे चौधरी पैसे दे दे, भूसा दे दे। और बागड़ो भूसे के बदले में मजा के देगी। चौधरी बाहर पे बहुत सामान से जो तेरा जी करे वो ले 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 लिए। तो चल बागड़ो उसके पुट्ठे में चल, भूसा ले लिए। ए बागड़ो कैसा पूरा गांव है, उसके कोठे में ले जावे ना। चौधरी हम ना लेते भूसा उसा, हम तो जा रही। तेरी नियत में खोटसा लग रहा चौधरी। चल बागड़ो, चल बागड़ो, चल, चल। राजा कुछ तो लेती जाती। अरे राहुल कहाँ जा रहा? अरे जाता कहाँ, एक जरूरी सा काम है, वहाँ जा रहा हूँ। अरे भैया राहुल हमें भी साथ ले चल। राहुल भाई हमें अपनी साथ ले। अरे मोटरसाइकिल रोज हीरो, अरे दो दो बागड़ो ले रहा है, गद्दी हमें भी दे दे। ये जुबान को संभाल के बोल। अरे तुझे बहुत चढ़ रही, तू तारेगा हल्कू पकड़िए रे वीरू को मार सुसे लेके दे। देखेंगे आज बीच में लपटने की है और देख लूंगा तुझे।
विधवा वाली पेंशन बन गई है। आजा राहुल, तुझे याद कर रही थी, क्या है भाभी, क्या हुआ तेरा? देवर, मुझे सारी रात हो गई उल्टी हो जा रही और पेट में इतना कैड़ा दर्द हो रहा, जी निकलन को हो रहा। भाभी, तेने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं अभी मोटरसाइकिल ला रहा हूँ और तुझे डॉक्टर के लेके चलूंगा, ठीक हो जाएगी। अरे भगवान, ऐसा बेटा सबको दियो। चल बैठ। भगवान तेरा भला करे, चल बेटा।
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी मुझे कुछ दिक्कत ना पड़ी है तो ठीक है। हाँ ये ठीक है, कोई बात ठीक हो जाएगी। सुखा दो, आज मेरे खून की रिपोर्ट आई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बेटी ये बता डॉक्टर साहब ने। माँ जी जब मुझे अचानक चक्कर आया था ना, तो डॉक्टर ने चेक करके बताया था कि बीपी हाई है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। अच्छा, ए बेटी तू जल्दी चली जा डॉक्टर के पास, खून की रिपोर्ट ले आ, अब डॉक्टर से ना अच्छे डाल चेक करवाएंगे। जी माँ जी। ठीक है ना बेटा। माँ जी कपड़े सुखा देना आप। रजनी राहुल कहाँ जा रहा, रोटी खा कर गया कि ना? मुझे ना पता कहाँ जा रहे वो। हमारा राहुल तो बड़ा ही बावड़ा है, करे भलाइया पर मिलाई सब बुराइया। ये हमारी बहू तो समझती ना, उससे दिन रात लड़ाई रखा है। डॉक्टर कहाँ है? दूसरे कैबिन में। ओके थैंक यू। डॉक्टर के तो मैंने भी देखी, मैं भाभी गुलाब को डॉक्टर के लेके गया, बेचारी मरने से बची, मैंने उसे अपना खून दिया, जब जाके उसकी जान बची। बस तो इतनी सी बात में तेरी तो लड़ने को? माँ लड़ाई को भी देखो, माँ यूँ बता, अगर मेरे हाथ से किसी का भला हो जा तो अच्छी बात है ना। बेटा मैं कहाँ समझेगी बात को? माँ समझेगी हूँ, एक दिन मुझे जरूर समझेगी। देखो कभी कमरे में लौट रही हो, जा देख ले। रजनी अरे कहाँ गई? Thank you.
बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाया करे। छोड़, मर जान दे मुझे, वैसे भी मैं जी के करूंगी क्या, मेरा है ही कौन इस दुनिया में। रजनी तू सोलत बुद्धि से काम मत ले, तू घर चल मेरी गैल, तेरी सारी गलत फहमी दूर हो जाएंगी। मेरी आधी जिंदगी तो होली, अब मुझे सारी जिंदगी ऐसे नहीं काटनी, मेरा मरना ही बेहतर है। रजनी तू अपने घर तो चल, मुझे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। मैं घर न जाऊँ, मैं उस घर से विदा हो के आई हूँ। अच्छा तू घर तो चल, अगर मैं गलत हुआ तू कुछ भी करिए, मेरे पे एक बार विश्वास तो कर, मैं तुझे आगे कभी नहीं रोकने का। भाभी राहुल गलत ना है, तू खामखा से करी राहुल पे। तू घर चल मेरी गैल। बेटा राहुल आज तो रक्षाबंधन है, पर भगवान ने तुझे अकेला ही पैदा करा, तेरे तो कोई बहन भी ना थी जो तेरे राखी बांधती। भाई राम राम, माजी राम राम। राम राम बेटी। तेरी उम्र लगावे और अगले साल अपने भाई के फिर राखी बांध देना। माँ जी मैंने तो पिछले साल भी बांधी थी भैया के राखी। पिछले साल भी राखी बांधी थी? हाँ भाभी, मैं तो आ रही थी पर भैया मुझे रास्ते में मिल गए थे, मैंने वही राखी बांध दी। मैं ही गलत सोचती रही। ले राहुल ये पटवारी दे गया, मुझे प्रधान के वहाँ बुलवाया था। पटवारी नु कहने लगा कि अपने बेटे का नाम बताओ, उसके नाम जमीन चढ़ेगी। तो मैंने कहा मेरा तो एक ही धर्म का बेटा है राहुल, तो उन्होंने तेरा नाम चढ़ा दिया। अरे मेरी माँ, तू तो ऐसे ही काम करे। मैंने जो करा ठीक करा, जब तन्ने मेरे सर पे हाथ धर के कसम खाई कि तू मेरी माँ है मैं तेरा बेटा। माँ जी लो ये राहुल का जोड़ा है। गुलाबो ये जोड़ा कैसा है? माँ जी मेरे घर से मेरा सिंदार आया था, तो मैंने कहा मेरा एक धर्म का बेटा भी है, उसका जोड़ा जरूर दियो। माँ जी मुझे माँ कहने वाला कोई ना था, बस राहुल ने ये फर्ज निभाया। हे कृष्ण भगवान, तेरी भी दो माँ ही और मेरे भी दो माँ है, एक यू देवकी और एक यू यशोदा। आज मेरा सारा सुख दूर हो गया, आप सही थे मैं ही गलत थी, मुझे माफ कर दो। रजनी मैं तेरे से कह रहा हूँ सच्चाई की हमेशा जीत हो है। बता सब है। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बोलो सत्य में जय रे।